सबसे पहला जो पार्ट पढ़ेंगे हम लोग स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, राइट। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इट इज एनालिसिस ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसके बाद ये काइनेमेटिक्स वाला पार्ट तो ओवर हो गया, ठीक है। आइए, सो द नेक्स्ट पार्ट इज, अगेन आई एम रिपीटिंग, द नेक्स्ट पार्ट इज एनालिसिस ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, राइट। चलिए ये हो गया। सबसे पहले मैं स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम हॉरिजॉन्टल बना रहा हूँ, फिर हम लोग बाद में देखेंगे वर्टिकल का क्या केस है। एक स्प्रिंग है, ठीक है, और इट इज द सिस्टम स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, दिस इज अ स्प्रिंग, ये स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के है, ठीक है, और ये ब्लॉक है, ये स्मूथ सरफेस पे रखे हुए। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि द होल सिस्टम इज प्लेस्ड इन स्मूथ सरफेस, राइट। ये एक सिस्टम है, दिस इज नोन एज सिंगल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। तो यहां पर लिख लेता हूं मैं एनालिसिस ऑफ मोशन ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, ठीक है। हालांकि हमने एनएलएम में पढ़ा था कि स्प्रिंग कौन सा फोर्स लगाता है, बट एक्चुअली एक जनरल मेथड है कि अगर कोई सिस्टम एसएचएम करेगा कि नहीं करेगा, ये फाइंड आउट करने का एक जनरल प्रोसीजर है, एक जनरल स्टेप टू स्टेप अपन उसको एनालिसिस करते हैं। तो स्टेप टू स्टेप देखना पड़ेगा, ऑल्दो हमें पता है, ये सबको पता है कि भाई स्प्रिंग जो है इट इज इट अप्लाइज माइनस के एक्स फोर्स, ये पता है हमें, सबको पता है माइनस के एक्स फोर्स। तो कोई भी बोल देगा कि भाई ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम तो एसएचएम करेगा, लेकिन पहले मैं स्टेप बाय स्टेप जाऊंगा, क्योंकि यहाँ तो ठीक है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है तो हम इजीली अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन बाकी सिनारियों में, मतलब डिफरेंट डिफरेंट सिनारियो देखेंगे, जिसमें कि आपका सिंपल पेंडुलम का एक सिनारियो है, जिसमें कि आपका टनल अर्थ के डायमेट्रिकली एक टनल बनाते हैं उसमें ऑब्जेक्ट मूव करता है, या और फर्दर बहुत सारे केसेस हम देखते हैं जिसमें कि जैसे एक ऑसिलेटिंग सॉरी फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट का ऑसिलेशन है। तो उन सब केसेस के लिए आपको एक प्रोसीजर जरूरी है कि क्या प्रोसीजर है जिससे हम ये पहचान सकें कि कोई ऑब्जेक्ट एसएचएम करेगा कि नहीं करेगा। तो सबसे पहला स्टेप वन, आइए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। व्हाट इज स्टेप वन? सबसे पहले आप स्टेप वन, आप इक्विलिब्रियम पोजिशन को आइडेंटिफाई कीजिए कि विच इज़ योर इक्विलिब्रियम पोजिशन, ठीक है। दिस इज द स्टेप वन, वी कैन से मेथड जो है मेथडोलॉजी उसका सबसे पहला जो स्टेप है दैट इज आइडेंटिफाई योर इक्विलिब्रियम पोजिशन। मतलब कोई एक इक्विलिब्रियम पोजिशन है, तो हियर इट इज एक्स इज इक्वल टू जीरो, दैट इज मीन पोजिशन जो है आपका स्प्रिंग जब नेचुरल लेंथ पे है, तो वहाँ पर जो ब्लॉक है ब्लॉक से जाता है वो हमने इक्विलिब्रियम पोजिशन कंसिडर किया। तो स्टेप वन इट इज आइडेंटिफाई योर इक्विलिब्रियम पोजिशन। ध्यान से देखेंगे पहला स्टेप वन, ये स्टेप वन। नाउ स्टेप टू, तो आप बोलेंगे तो इसमें कुछ खास है क्या? देखेंगे आगे, क्योंकि फर्दर कई ऐसे सिनारियो आएंगे जिसमें इक्विलिब्रियम पोजिशन शिफ्ट हो जाता है। तो उस इक्विलिब्रियम पोजिशन शिफ्ट हो जाता है मतलब ये स्प्रिंग हो सकता है स्ट्रेच कर जाए, जैसे कि वर्टिकल ब्लॉक सिस्टम में देखेंगे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में। तो सबसे पहले तो आपको ये काम करना पड़ेगा, यू हैव टू आइडेंटिफाई योर इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो ये अभी मेरा नेचुरल लेंथ है वही इक्विलिब्रियम पोजीशन है, राइट। स्टेप टू, स्टेप टू में आपको करना क्या है, आपको ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करना है, ठीक है, और फिर उस पर एफ बी डी प्लॉट करनी है। आइए देखते हैं, ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर दीजिए, ये काम आपको खुद करना पड़ेगा, एक्स डिस्टेंस डिस्प्लेस कर दीजिए, ठीक है। ये तो जो आपका स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है वो उसको इस तरीके से, आइए मैं डिस्प्लेस करके एक डायग्राम बना लेता हूं, तो ये हो गया एक्स इक्वल टू जीरो एंड वी हैव डिस्प्लेस्ड द ऑब्जेक्ट बाय डिस्टेंस एक्स। सो दिस इज स्टेप टू, डिस्प्लेस द ऑब्जेक्ट बाय डिस्टेंस एक्स फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजिशन, राइट। सेकेंड स्टेप है, तो ये आपका हो गया सेकेंड स्टेप, आप ऑब्जेक्ट को एक्स डिस्टेंस डिस्प्लेस कर दीजिए इक्विलिब्रियम पोजिशन से, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप है कि मेक एफ बी डी ऑफ द ऑब्जेक्ट जिसका आपको एनालिसिस करना है, उसकी आपको क्या बनानी है, फ्री बॉडी डायग्राम। तो स्टेप थ्री, स्टेप थ्री इज मेक एफ बी डी, मेक
FBD of the object, make FBD, ठीक है, make FBD of the object to be analyzed, मतलब जिसकी हम एनालिसिस कर रहे हैं उसका आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, मतलब जो भी फोर्सेस उस ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं वो सारे फोर्सेस आप प्लॉट कर लीजिए, जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है, वो फोर्सेस हम ड्रॉ कर लेंगे। जैसे कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में आइए देखते हैं कौन कौन से फोर्सेज लग रहे हैं। पहला, अगर इस स्प्रिंग को मैं स्ट्रेच कर दिया, राइट, तो इस पर एम जी ग्रेविटी तो लग ही रही है, ठीक है, उसके बाद नॉर्मल रिएक्शन सर्फेस से लग रहा है, राइट, फिर ये स्प्रिंग इस पर फोर्स लगा रहा है, ठीक है, विच इज़ माइनस के एक्स, ठीक है, तो ये हमें पता है, तो ये तीन फोर्सेस लग रहे हैं। अब ऑब्जेक्ट का मोशन इस डायरेक्शन में नहीं है, मतलब एम जी इज इक्वल टू एन है, तो इस पर एक सिंगल फोर्स लग रहा है जो इस ऑब्जेक्ट को मूव कराएगा, राइट। तो स्टेप थ्री है कि मेक एफ बी डी, यहाँ पर मैंने देखिए सारे फोर्सेस ड्रॉ कर लिए, मेक एफ बी डी ऑफ द ऑब्जेक्ट टू बी एनालाइज। एफ बी डी बनाने के बाद आपको ये देखना है, मतलब आपको ये उसमें एनालिसिस करनी है कि भाई ये ऑब्जेक्ट जो है इस पर रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है, मतलब ये ऑब्जेक्ट ऑसिलेटरी मोशन करेगा कि नहीं करेगा, पहला तो कंडीशन ये है। तो वेरीफाई वेदर द ऑन द ऑब्जेक्ट इस रीस्टोरिंग फोर्स इज देयर और नॉट, मीन्स ऑब्जेक्ट पे रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है, और रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है मतलब मेन पोजिशन की तरफ हमेशा फोर्स रहना चाहिए। तो पहले आपको वो देखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट का मोशन ऑसिलेशन है कि नहीं है, क्योंकि सबसे पहले तो ऑसिलेशन होगा तब वो SHM करेगा, ठीक है। तो स्टेप नंबर थ्री, ठीक है, स्टेप फोर ये है कि बाय एनालाइजिंग द फोर्सेस, यू कैन से बाय एनालाइजिंग द फोर्सेस, ठीक है, बाय एनालाइजिंग द फोर्सेस वेरीफाई वेदर ऑब्जेक्ट is oscillating or not। अब ये थोड़ा स्टूडेंट सोचेगा कि भाई ये कैसे वेरीफाई होगा, तो ये आपको, ये बहुत आसान है, इसको आपको ये देखना है कि जो फोर्सेस ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं, ठीक है, वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होने चाहिए, मतलब ऑब्जेक्ट किधर भी डिस्प्लेस हो जाए मीन पोजीशन से, फोर्स हमेशा टुवर्ड द मीन पोजीशन रहेगा, तब तो ये ऑसिलेशन करेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो आफ्टर मेकिंग FBD, ठीक है, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि सारे डायग्राम, सारे डायरेक्शन आप फोर्स के देखेंगे तो यहाँ पर जैसे दिख रहा है कि एम जी और एन तो बैलेंस कर ले रहे हैं, बट जो स्प्रिंग फोर्स है इट इज़ ऑलवेज टुअर्ड द मीन पोजीशन, मतलब अगर स्ट्रेच है तो इस तरह से आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड में स्ट्रेच है तो लेफ्ट हैंड साइड में फोर्स है, जब मैं लेफ्ट हैंड साइड में कंप्रेस करूँगा तो राइट हैंड साइड में फोर्स लगेगा, ऐसे ही आपको सारे सिनारियों में करना है। तो बाय एनालाइजिंग द फोर्सेस वेरीफाई वेदर ऑब्जेक्ट इज ऑसिलेटिंग और नॉट, पहले ऑसिलेशन आपको देखना है कि ऑसिलेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो काम अपन पहले कर लेंगे, ठीक है। तो यस, दिस स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम इज इन ऑसिलेशन, मीन्स रिस्टोरिंग फोर्स इस पे है और वो इस ऑब्जेक्ट को ऑसिलेट कराएगा बैक एंड फोर्थ, स्टेप फोर। अब स्टेप फाइव तो बहुत आसान है, अपने को देखना है कि ठीक है चलो भाई हमको पता चल गया कि अगर ऑसिलेशन नहीं कर रहा है तो SHM का सवाल ही नहीं है, ठीक है, मतलब अगर आपके पास रीस्टोरिंग फोर्स नहीं दिख रहा है उस सिस्टम में तो आप अपना कंक्लूजन यहीं पर ड्रॉ करके पूरी एनालिसिस को ख़त्म कर दोगे कि ऑब्जेक्ट विल नॉट मेक SHM, ठीक है। अगर ऑसिलेशन नहीं है तो SHM नहीं है, लेकिन अगर ऑसिलेशन है, मतलब अगर रीस्टोरिंग फोर्स है, तो फिफ्थ स्टेप की तरफ अपन आगे बढ़ेंगे, राइट। क्या देखेंगे कि जो ऑसिलेटिंग, मतलब जो रिस्टोरिंग फोर्स है, राइट, वो रिस्टोरिंग फोर्स कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए, इट मींस कि बाय एनालाइजिंग इफ द ऑब्जेक्ट हैविंग रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है, राइट, देन वेरीफाई, अब उसका वेरिफिकेशन, वेरीफाई वेदर दिस रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है, ध्यान से देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, इफ द ऑब्जेक्ट हैविंग रिस्टोरिंग फोर्स देन वेरीफाई वेदर रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स और नॉट। अब ये माइनस एक्स, मतलब माइनस साइन जो है ये बताएगा कि
कि वो फोर्स रीस्टोरिंग है, मतलब हमेशा जो है डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट में लग रहा है। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो ये निगेटिव रहेगा, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव है तो ये पॉजिटिव रहेगा, तो ये माइनस साइन उसको बता रहा है। एंड इट मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट के हमेशा क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ऑब्जेक्ट जो है वो SHM करेगा, ठीक है। तो इफ़ द ऑब्जेक्ट हैविंग रीस्टोरिंग फोर्स देन वेरीफाई वेदर रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स और नॉट। हालांकि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको लग रहा होगा कि यार ये तो क्लियर है, लेकिन ये प्रोसीजर आपको बाद में फिर काम आएगा जहाँ पर सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, राइट। तो वहाँ पर आपको ये प्रोसीजर की तरफ जाना पड़ेगा। तो इफ़ द ऑब्जेक्ट हैविंग रीस्टोरिंग फोर्स देन वेरीफाई वेदर रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स और नॉट। स्टेप सिक्स जो है वो कंक्लूजन पार्ट है कि इफ एफ रीस्टोरिंग इज हैविंग द एक्सप्रेशन लाइक माइनस कॉन्स्टेंट, कोई भी कॉन्स्टेंट हो सकता है, वो कॉन्स्टेंट होना चाहिए, वेरिएबल नहीं होना चाहिए, इंटू एक्स, देन द ऑब्जेक्ट विल मेक SHM। दिस विल बी योर कंक्लूजन। मतलब आपको ये पूरा का पूरा जो स्टेप है ये आपको डिसाइड करना है कि ऑब्जेक्ट SHM करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। तो सबसे पहला है आपको, जैसा कि मैंने बताया कि आपको इक्विलिब्रियम पोजीशन अपनी आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करना है इक्विलिब्रियम पोजीशन से एक्स डिस्टेंस, फिर उसकी FBD बनानी है, उस पोजीशन पे ही FBD बनानी है, मतलब डिस्प्लेस करने के बाद पोजीशन पे आपको एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, मतलब जो भी फोर्सेज ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं वो सारे फोर्सेज आपको वहाँ ड्रॉ करने पड़ेंगे। उसके बाद आपको एनालिसिस करनी है फोर्सेस के और डिसाइड करना है कि भाई इस पर रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा, मतलब ये ऑसिलेटरी मोशन करेगा कि नहीं करेगा। तीसरा, अगर आपको पता चल गया कि ठीक है ऑसिलेशन तो है, तो आपको फिर वेरीफाई करना पड़ेगा कि जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो एक खास तरह का होना चाहिए, मतलब इट शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू निगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और वी कैन से पोजीशन, पोजीशन के डायरेक्टली निगेटिव ऑफ द पोजीशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। देन आपका कंक्लूजन फाइनली रीच होगा कि भाई चलो ठीक है ऑब्जेक्ट जो है वो SHM कर रहा है। सो ये प्रोसीजर है पहचानने के लिए कि वेदर एन ऑब्जेक्ट इज डूइंग SHM और नॉट। अब जब ये प्रोसीजर आप पूरा फॉलो कर लेते हैं, जैसे कि मैंने स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में किया है, मैंने इसको डिस्प्लेस किया, पहला स्टेप वन डिस्प्लेस किया, देन आई हैव मेड FBD, ठीक है। FBD में मैंने सारे फोर्सेस ड्रॉ किए, उसके बाद फिर मैंने देखा कि भाई ये ऑब्जेक्ट जो है ऑसिलेटरी कंडीशन में है कि नहीं, मतलब इस पर कोई रीस्टोरिंग फोर्स है कि नहीं, तो फिर ये भी क्लियर हो गया कि भाई चलो रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है माइनस के एक्स, और फिर ये भी क्लियर हो गया कि दिस रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू निगेटिव ऑफ एक्स, एंड देन आवर कंक्लूजन इज कि इट विल मेक SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब क्या, तो SHM के बाद क्या होता है कि आपको टाइम पीरियड बताना पड़ता है उस सिस्टम का। तो उसके बाद जो सेवन्थ स्टेप है, ठीक है, यहाँ पर अपने को रुक नहीं जाना है, ये तो अपना हो गया SHM कर रहा है कि नहीं कर रहा है फ्रॉम 1 to 6। उसके बाद आपको एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन लिखना है, और वो काम तो बहुत आसान है। तो स्टेप 7 जो होगा, तो यहाँ तक मैंने 6 स्टेप लिख लिए, अब स्टेप 7 को मैं ऊपर लिखता हूँ, ठीक है, राइट, फिर शुरुआत करता हूँ। तो स्टेप 7 होगा आपका कि आपको एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन लिखना है, ठीक है, इस फोर्स के एक्सप्रेशन से। तो स्टेप सेवन, राइट डाउन द एक्सप्रेशन ऑफ, मीन्स ये तब आएगा जब आपका ऑब्जेक्ट SHM करेगा, मतलब आपका फोर्स का एक्सप्रेशन आ जाएगा, मीन्स यू विल हैविंग द एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स लाइक एफ इज इक्वल टू माइनस सम कॉन्स्टेंट इन टू एक्स। यहां पर वो कॉन्स्टेंट के बराबर है, ठीक है, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के बराबर है। तो राइट डाउन द एक्सप्रेशन ऑफ, अब उसके बाद हम उसका एक्सप्रेशन लिखेंगे, किसका, एक्सेलरेशन का, ठीक है, और वो बहुत आसान है, रीस्टोरिंग फोर्स को हम मास से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो राइट डाउन द एक्सप्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू एफ रीस्टोरिंग बाय एम एंड कंपेयर द एक्सप्रेशन विद ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो SHM अगर डिसाइड हो गया, उसके बाद हमको टाइम पीरियड निकालना है या हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो उसके लिए सेवन्थ स्टेप है। सेवन्थ स्टेप इज राइट डाउन द एक्सप्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का आपको एक्सप्रेशन लिखना है, राइट, ठीक है, और उसके बाद उस एक्सेलरेशन के एक्सप्रेशन से आपको फिर एक्सेलरेशन को कंपेयर करना है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर इस स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में, ठीक है, इसके हेल्प से मैं आपको समझाता हूँ।
हमारे पास है एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, राइट। अब सेवंथ स्टेप, ये सिक्स्थ स्टेप आ गया, सेवंथ स्टेप में आप एक्सेलरेशन निकालेंगे विच विल बी एफ माई बाय डिवाइडेड बाय एम, तो ये हो जाएगा माइनस के बाय एम इंटू एक्स। ध्यान से देख रहे हैं स्टूडेंट्स, तो यहां पर आपका आ गया एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन आ गया, माइनस निगेटिव साइन। मैंने हमेशा आपको बताया कि निगेटिव साइन अगर वैक्टर क्वान्टिटी तो इट ऑलवेज रेप्रेजेंट द डायरेक्शन, ठीक है। तो ये डायरेक्शन रेप्रेजेंट कर रहा है जो कि एक्स के हमेशा अपोजिट है, एंड माइनस ईयर इट इज के बाय एम इंटू एक्स। तो जो k बाय एम है यहां पर, ये आप देख सकते हैं जब आप कंपेयर करेंगे। नाउ कंपेयरिंग द अबव एक्सप्रेशन विद a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से कंपेयर करेंगे, तो बताइए स्टूडेंट्स कि ओमेगा की जगह क्या है, थोड़ा सा आप सोचिए, ठीक है। ओमेगा की जगह क्या होगा और एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो सोचने के लिए आपको मैं दो मिनट का वक्त देता हूं। कंपेयर करेंगे, ये एक्सप्रेशन आपका आ गया इस सेटअप के लिए और ये एक्सप्रेशन आ गया एक्सेलरेशन का, ठीक है। अब कंपेयर करिए और बताइए कि व्हाट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। ठीक, तो क्या होगा, बहुत आसान है। सो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, इन प्लेस ऑफ ओमेगा स्क्वायर वी कैन कंपेयर के बाय एम, सो ओमेगा विल बी इक्वल टू रूट ओवर के बाय एम। तो ये हो गया हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी इस सिस्टम का। तो ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का आया है, ठीक है। ऐसी हर सिस्टम के लिए प्रोसीजर तो वही है, आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी अलग अलग आएगी हर सिस्टम के लिए। अब टाइम पीरियड अगर पूछा है तो टाइम पीरियड के लिए हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे, टू पाए बाय ओमेगा। सो क्या हो जाएगा ये देखते हैं, तो 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा डिवाइड, अब उसको रिवर्स कर दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए एक तरह से, तो इट विल बी उल्टा हो जाएगा रूट ओवर एम बाय के। तो ये हो गया टाइम पीरियड ऑफ दिस स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, 2 पाई रूट ओवर एम बाय के। तो स्टूडेंट्स ये पूरा का पूरा जो प्रोसीजर है, ठीक है, ये है आपका SHM में टाइम पीरियड निकालने का है। तो इसके दो पार्ट हैं, आपने ध्यान दिया होगा, दो पार्ट हैं। आपने देखा वीडियो रिवाइंड करके आप देख सकते हैं कि 1 to 6 स्टेप में मैंने ये डिसाइड किया कि किस तरह से आपका ऑब्जेक्ट SHM कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये आपने डिसाइड करना पड़ता है। और फिर अगर वो ऑब्जेक्ट SHM कर रहा है तो उसका टाइम पीरियड निकालने का फिर ये सेवन्थ स्टेप है, मतलब आप एक्सेलरेशन निकालेंगे एफ रिस्टोरिंग बाय एम, और ये जितने भी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है ये सबके लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि ये जो मैंने स्टेप बताए हैं ये फोर्स मेथड कहलाता है, इसका एक और मेथड है एनर्जी मेथड, वो बाद में देखेंगे, पहले हम इस मेथड पे कमांड कर लेते हैं, ठीक है। मतलब देयर आर टू मेथड टू फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ एनी सिस्टम विच इज एग्जीक्यूटिंग SHM। तो दो मेथड हैं, एक आपका एनर्जी मेथड है और एक आपका फोर्स मेथड है, ठीक है। तो अभी मैंने जो डिस्कस किया ये फोर्स मेथड है, स्टेप सेवन तक जाना है। तो कई कई जगह पे ये मेथड इजी होता है, कई जगह पे वो आपका एनर्जी मेथड जो है वो ज़्यादा इजी होता है, वो बाद में देखेंगे। फिलहाल तो यहाँ तक हमारा कंक्लूजन पार्ट पहुँच गया है। नाउ वी आर इन द पोजीशन टू फाइंड टाइम पीरियड और ओमेगा, ठीक है, ऑफ एनी सिस्टम विच इज एग्जीक्यूटिंग SHM। देर आर सेवन स्टेप, तो एक एक बार आप एक बार उसको अच्छे से समझ लीजिए कंसेप्ट को, एंड देन फिर उसको डिफरेंट सिस्टम्स पे हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइंडिंग टाइम पीरियड और वेरीफाइंग whether a system is making SHM or not, and if it is making SHM then finding its time period।